हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों एक बार फिर आपको लेके आ चुके हैं कहाँ, वैसे हम हैं अभी ये समस्तीपुर में। समस्तीपुर में ये बंगाली टोला है, वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा भीड़ है। सिर्फ मटन खाने के लिए यहाँ पे ये भीड़ है। यहाँ पे जो है मटन खाने के लिए काफ़ी मारा मारी होता है। मटन बनने से पहले लोग यहाँ पे इंतज़ार करने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का मटन बनता है, कैसे कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो चलिए, इधर सुबह सुबह प्याज कटना शुरू हो गया है। क्या पूरा एकदम बोरा भर के काटते हैं प्याज? ना, पूरा बोरा भर के। कितना कटेगा टोटल? 12 किलो। 12 किलो इसी कढ़ाई में बनेगा? बड़े कढ़ाई काफ़ी बड़ा है। क्या ये क्या है? ये लकड़ी का ठेहा है जिस पर प्याज कटा जाता है। अच्छा, ठेहा बना के रखे हुए स्पेशल प्याज काटने के लिए। प्याज काटने बढ़िया है। तो ये चल गया गैस क्या? जी हाँ, गैस जल गया है। तो यहीं पे मटन बनाते हैं। ये जाएगा कढ़ाई। तो इधर देखिए अभी कढ़ाई चढ़ा है, लेकिन लोग यहाँ पहुँच रहे हैं खाने के लिए। पहुँच रहे हैं कि देखने के लिए? नहीं, खाने के लिए पहुँच रहे हैं। इधर भी हैं। तो आप सब खाते हैं मटन यहाँ का? खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट है। कैसा होता है? बहुत बढ़िया होता है। बढ़िया होता है। दूर दूर से आदमी आता है यहाँ खाने के लिए। जी, तो ये देखिए इधर जो है तेल जाना स्टार्ट हो गया है। कितना तेल डालिएगा इसमें? 1.5 केजी है। 1.5 केजी शुद्ध सरसों का तेल डालते हैं? जी हाँ, डाल रहे हैं इसमें। अच्छा, पूरा एकदम बोरा उझल रहे हैं क्या? तो डायरेक्ट प्याज डालते हैं, फ़ौरन नहीं डालते हैं अभी पहले? अच्छा, बोरे में फ़ौरन लगाए थे ये तेज पत्ता। और क्या था इसमें? जीरा है। जीरा, तेज पत्ता और कुछ था? जीरा, तेज पत्ता और प्याज। प्याज सब बोरा में रखे हुए थे, प्याज के साथ में ही डाल दिए। अच्छा, कितना दिन से आप मटन बना रहे हैं? 1.5 साल। 1.5 साल से यहाँ? 1.5 साल हुआ, भीतर दुकान था। ये करीब मैंने 15 साल पुराना दुकान है। 15 साल पुराना दुकान है? 15 साल पुराना दुकान है यहाँ। 1.5 साल यहाँ नया खोले हैं? रेंट पे लेकर के दुकान। इससे पहले दूसरी जगह थे क्या? अंदर में थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा परेशानी हो गई, जगह कम पड़ गया था कस्टमर के लिए। हाँ, इसलिए यहाँ पे लाया गया है। अच्छा, गलने में कितना टाइम लगेगा लगभग? बस गल गया। गल गया। देखिए हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। सही आ गया हल्दी पाउडर। पूरा जाएगा क्या? 50 ग्राम है? 100 ग्राम? 100 ग्राम है। 100 ग्राम, 100 ग्राम हल्दी गया इसमें। पूरा जो है प्याज में एकदम कलर अब आने लगा है। ये अदरक लहसुन है? ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखे हुए। तो ये जाएगा अब नमक। वैसे भैया जो है अभी मटन लेकर आए, तब तक हम कल बना रहे थे। तो ये जा रहा है लाल मिर्च तीखा के लिए। वो 100 ग्राम का होगा जी। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन, पूरा लाल हो गया लाल मिर्च। ये क्या है? घी मटन में भी डालते हैं बनते समय? तो ये आप प्याज में ही डाल रहे हैं? लगभग 100 ग्राम घी गया? 200 ग्राम। तो यहाँ पे जो है घी वाला मटन मिलता है। घी भी डालते हैं ऊपर से, साथ में बटर भी डालते हैं। अमूल का है ये? अच्छा, ये बटर से क्या होता है? टेस्ट थोड़ा स्पेशल आ जाता है। अब जा रहा है थोड़ा सा पानी। सुस्ता गया सबसे पहले। सही आ गया मटन। कितना मटन है? 12 केजी। सही है, देखिए तुरंत मटन लाया गया, उसके बाद इसमें डाल दिया गया है। वैसे इसको बनने में कितना टाइम लगेगा अभी? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? 1.5 घंटा लगेगा। अच्छा, 1.5 घंटा। भैया काफ़ी इंतजार कर रहे हैं मटन खाने के लिए। कहाँ से आए हैं मटन खाने? मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से जी मटन खाने के लिए? हाँ, मटन खाने के लिए आए हैं। मतलब काफ़ी बढ़िया होता है यहाँ का मटन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप कितना दिन से खाते हैं? लगभग 5-7 साल से हम यहाँ आते हैं। पहले यहाँ तो 1.5-2 साल, 1.5 साल से लगभग है। हाँ।
और पहले इस गली में था। अच्छा, गली के अंदर था पहले? हाँ, पहले वहाँ दुकान ये ही किए हुए थे सुरेंद्र भैया, और अभी यहाँ है डेढ़ साल से लगभग, और 5-7 साल से हम यहाँ खा रहे हैं। बढ़िया होता है, बहुत सुंदर, तब तो आते हैं। हमको लगता है कि 2-4 डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा इस तरह का। अच्छा, 2-4 डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा जी। अच्छा, मटन के साथ में पुलाव खिलाते हैं? सप्ताह में 3 दिन ये होता है। चावल चावल रोटी। अच्छा, रोटी चावल तो आज भी होगा कि आज नहीं होगा? अच्छा, आज भी होता है। रोटी खाता है तो सबसे पहले पुलाव बना लिया। रेट पुलाव 30 का प्लेट है। अच्छा, मटन में पानी भी डालते हैं? पानी के लिए रस का बनेगा। अच्छा, रस के लिए डालते हैं। मसाला और कुछ जाएगा इसमें? गरम मसाला जाएगा, सिर्फ गरम मसाला, और कुछ मसाला नहीं जाएगा? उसे मसाला में ज़्यादा मसाला नहीं पड़ा है, मिर्च का पाउडर पड़ा है, हल्दी पड़ा है आदि, और लहसुन का पेस्ट पड़ा है, बाकी कुछ नहीं। लास्ट में गरम मसाला जाएगा। काफ़ी अलग तरीके का मटन होता है। तो देखिए भीड़, आप देख सकते हैं मटन अभी आधा पक गया है, आधा पक गया है। भीड़ इधर इधर इधर, लगभग 10-12 आदमी यहाँ पे अभी खड़ा है मटन खाने के लिए। मटन का मसाला तैयार हो रहा है जी। तो ये कौन सा मसाला होता है? क्वालिटी इससे क्या होता है? टेस्ट बढ़ता है। क्वालिटी से में डालते हैं। तो ये गया थोड़ा सा पानी इसमें जी। तो इसे मटन का रेट क्या होता है? 80 का 100। अच्छा, तौल के खिलाते हैं तराजू पे? वही पीस देते हैं जो जैसे अभी बुकिंग हो रहा है कि हमको चुस्ता दे दीजिएगा, नली वाला दे दीजिएगा, तो छोटा रहे या बड़ा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसे पुलाव भी काफ़ी बढ़िया बना है। कौन सा चावल इसमें यूज करते हैं? चावल है तुलसी फूल। बढ़िया होता है जी। पहले था 2-3 किलो बनाते थे। 2-3 किलो से स्टार्ट किए जी। तो अभी कितना निकलता है? हाईएस्ट जाता है 15-16 किलो के। 15-16 किलो। अभी बाजार चल रहा है, डाउन चल रहा है। हाँ, उसका बाजार 12-14 किलो। 12-14 किलो ठंडा में निकलता है। जैसे ठंडा ख़त्म होगा धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। यही तराजू है जिस पे तौल के खिलाते हैं जी। तो ये देखिए, इसी तराजू के ऊपर तौल के खिलाया जाता है। उसे तराजू देखिए कितना बढ़िया है, देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे पीस के हिसाब से नहीं मिलता है, तराजू पे तौल के। इधर बटखरा रखा हुआ है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, जो जितना लेना चाहते हैं लेते हैं। और मटन का पीस जो है वो भी मनपसंद मिलता है, जो आप खाना चाहते हैं वो मिल जाता है। तो इसमें जो है मटन काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, इससे खुशबू भी काफ़ी बढ़िया है। ये चर्बी उर्बी तो गल जाएगा ना, रहेगा? ये मटन हो गया है जी। गरम मसाला है जी। तो इसमें तो क्वालिटी भी डाले थे, और जो डाले थे वो खुद से बनवाए थे जी, पिसवा के अपने आते हैं घर से। अच्छा, घड़े में पीसते हैं जी। वो सब खड़ा मसाला ले लेते हैं, उसको घर में पीस लेते हैं। अच्छा, ये मटन कितना केजी का था जो लाए हैं? ये 15 केजी का। 15 केजी का एक पूरा मटन ले लिए खस्सी, इसलिए चर्बी काफ़ी अच्छा मात्रा। हम लोग जाते थे अपने पसंद से माल कटवाते हैं। बढ़िया दिखने में अच्छा हो, जो खस्सी पसंद करते हैं उसको लेके उसको कटवा लेते हैं। अच्छा, ये कलेजी है ना, तिल्ली है, फेफड़ा है वो? अच्छा, फेफड़ा है, ये सब फेफड़े हैं। कलेजी बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो ये देखिए मटन इधर चढ़ा हुआ है, खोल रहा है, लेकिन प्लेट लगना शुरू हो गया। अंदर में सब लोग वेट कर रहे हैं मटन का, अब उतरेगा। तो बनते बनते यहाँ पे लोग खाना स्टार्ट कर दिए हैं। 200 ग्राम, 200 ग्राम ये आ गया। तो ये हो गया 160 रुपया का। और ग्रेवी का वजन नहीं करते, वो अलग से डालते हैं मटन का। तो चुस्ता भी तोल के डालते हैं भैया। हमें पैक कर दिया, मैं निकाला पहले। ये बैठने का जगह नहीं है खाने के लिए, तो लोग नीचे में भी बैठ के खाते हैं, जैसे घर में खाते हैं, तो कहीं पे बैठ जाते हैं खाने के लिए।
अच्छा ये क्या डाल रहे हैं? अच्छा स्पेशल तरीके से अपना अलग स्वाद लेते हैं जी। तो जलजीरा डाल के खाते हैं तो भैया देखिए जगह नहीं है तो बाहर में बैठे हैं खाने के लिए, ऊपर से जलजीरा डाल लिए हैं मटन में, और वहाँ पे भी भैया नीचे में बैठ के खा रहे थे तो पूरा अंदर भरा हुआ है, बाहर यहाँ कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे तो भैया इधर बाहर में बैठ के खाने के लिए क्या। अच्छा ये जलजीरा डाल के खाते कैसा लगता है खाने में? स्वाद बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है जी। आज पहली बार देखे हैं कि मटन में भी जलजीरा डाल के खाते हैं, काफी इंतजार के बाद आप सबको मटन मिला है? जी जी बहुत इंतजार करने के बाद मिला है। अच्छा भैया यहाँ का एड्रेस क्या है? बंगाली टोला, बंगाली टोला वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 22 ये समस्तीपुर में बंगाली टोला वार्ड नंबर 22, ऐसे स्टेशन से जैसे ही निकलिएगा ये बंगाली टोला वाला गली मिल जाता है क्या। वैसे देखिए अभी मटन बन ही रहा है, बनते बनते मटन लगभग आधा ख़त्म हो गया है, आधा बचा हुआ है, ये भी लगभग आधा घंटा में ख़त्म हो जाएगा, एक घंटा में लगभग। कितना घंटा का ये दुकानदारी होता है? बस 3 घंटा। 3 घंटा में पूरा ख़त्म हो जाता है, 4 घंटा में ख़त्म हो जाता है। वैसे अब आपको मटन बनने के बाद कलर दिखाते हैं, देखिए कितना बेहतरीन कलर है, एकदम मसाला जो डाले हैं मिर्च एकदम लाल लाल हो गया है। वैसे मसाला इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ नॉर्मल तरीके का यूज़ किया जाता है जो कि मटन का स्वाद बढ़िया से दे क्या, इसलिए कम मसाला यूज़ करते हैं। तो चलिए मेरे लिए ये प्लेट लग गया है, 100 ग्राम मटन है सिर्फ 80 रुपया का, देखिए इसमें कितना सारा पीस मिला है, बहुत सारा। वैसे आप पहले देखिए ग्रेवी कितना गाढ़ा गाढ़ा है, बहुत ही बढ़िया कलर है इसमें ग्रेवी का, एकदम देख के दिल खुश हो जाता है ऐसा कि मटन देखने में लग रहा है। तो ये खाने के बाद पता चलेगा कि इसका टेस्ट जो है कैसा होता है। वैसे अंदर में काफ़ी भीड़ है जिसके वजह से हम बाहर में बैठ गए खाने के लिए। तो चलिए लेते हैं सबसे पहले ग्रेवी, हम लेंगे चावल के ऊपर, ये आ गया बढ़िया से एकदम। आप देखिए 3 पीस मिला है, 1, 2 और 3, और सिर्फ 80 रुपया का ये है, साथ में चावल अलग से 20 रुपया का, और रोटी 10 रुपया का 2 पीस। तो चलिए पहले हम रोटी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा रोटी और ग्रेवी। ओहो काफ़ी मज़ेदार है, एकदम बेहतरीन, इसमें स्वाद काफ़ी बढ़िया आ रहा है, मटन का स्वाद जो है एकदम खुल के आ रहा है। हाँ मसाला जो नहीं डाले हैं जिसके वजह से डिफरेंट तरीके का मसाला का स्वाद नहीं आ रहा, सिर्फ मटन जो है वो अपना स्वाद बेहतरीन दे रहा है। तो लेंगे ये पीस आज, तो ये देखिए, और इसको देखिए कितना बढ़िया से पका हुआ है, ऐसे गर्म काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बनते बनते हम भी प्लेट लगवाए हैं। ओहो इसी घिचने में थोड़ा, ये देखिए कितना बढ़िया से पका हुआ है, 2 मिनट रुकने के बाद थोड़ा सा ठंडा हुआ है। फिश काफ़ी बढ़िया लग रहा है, वैसे चावल के साथ में कैसा लगेगा ये मटन। ओ ये आ गया ग्रेवी और चावल, काफ़ी मज़ेदार, मटन खा के दिल खुश हो गया, ऐसा मटन यहाँ का है, इसीलिए इतना भीड़ यहाँ पे होता है। मटन काफ़ी पक चुका है, मटन का पीस थोड़ा सा छोटा छोटा होता है जिसके वजह से तौल तौल के देते हैं, लेकिन मज़ा आता है खाने में। तो ये देखिए खाने में मज़ा आएगा। वैसे हम हर किसी को सजेस्ट नहीं करते कि यहाँ आके आप खाइए, लेकिन यहाँ का ऐसा मटन है कि अगर आप इस एरिया से हैं तो एक बार आप यहाँ आके ट्राई कीजिए, काफ़ी बेहतरीन लगेगा यहाँ का मटन। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इस प्लेट को ख़त्म करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जगह के साथ और अच्छे खाना के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।